बचपन से ही मैंने और आपने अपनी जनरल नॉलेज की बुक्स में एक नाम जरूर पढ़ा होगा, चेरापूंजी। चेरापूंजी एक ऐसी जगह जहां पर होती है इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश। और आज मैं अपने चैनल कॉन्टिनेंटल कृषि पे पहुंच चुका हूं चेरापूंजी। और अपने इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा चेरापूंजी की कई सारी मेन अट्रैक्शंस, जिनमें है कुछ वाटरफॉल्स, कुछ केव्स और भी डिफरेंट लोकेशंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चेरापूंजी आए तो एटलीस्ट 2 डेज का टाइम लेके आए। ऑल्दो चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन राइट नाउ बारिश के ऐसे कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी चेरापूंजी की जर्नी कैसे प्लान कर सकते हैं। शिलोंग से चेरापूंजी जाने के रास्ते में ही एक वैली पड़ती है और वैली के पास एक इंटरेस्टिंग विलेज भी है जिसका नाम है कोंगथोंग विलेज। तो कोंगथोंग विलेज की खासियत ये है कि यहाँ पे जो ट्राइब्स है, जो बस्ती है उनके ट्राइब्स की, उसके हर बच्चे का नाम तो एक स्पेसिफिक है ही, और नाम के अलावा एक अलग से साउंड या विसल सेट है। तो जैसे ही उस विसल को बजाया जाता है, बस वो बच्चा हाजिर हो जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कोंगथोंग विलेज का। तो आज के मेरे डे की फर्स्ट डेस्टिनेशन है मेघालय के फेमस एलिफेंट फॉल्स। एलिफेंट फॉल्स काफी पुराने फॉल्स हैं। बेसिकली इसे एलिफेंट फॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लेफ्ट में, फॉल्स के जस्ट लेफ्ट में, एक रॉक थी पहले जो कि एलिफेंट की शेप की थी, बट 1897 में एक अर्थक्वेक आया और वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। आइए चलते हैं एलिफेंट फॉल्स देखने। 2016 में पीएम मोदी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि अगर आप मेघालय आए तो आपको एलिफेंट फॉल जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पर उनकी जो फोटो उन्होंने ट्वीट की थी वो भी लगी हुई है। बेसिकली एलिफेंट फॉल्स जो है, इनको खासी पीपल, जो खासी यहाँ की ट्राइब है, मेघालय की एक सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती है खासी, उन्होंने इसे अपनी लैंग्वेज में नेम दिया था समथिंग लाइक काक्षात लाल पतंग को शिव, जिसका इंग्लिश में मतलब देखें अगर तो 3 स्टेप्स वाटरफॉल। फिर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए उन्होंने इसे रीनेम किया, जो कि काफी इजी बनाया उन्होंने, और इसे नाम दिया एलिफेंट फॉल्स। तो शिलोंग में आपको शॉपिंग्स के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं लोकल। बेसिकली मैं अभी एलिफेंट फॉल्स में हूँ और वहाँ पे शॉपिंग कर रहा हूँ, तो काफी एलिगेंट सा पर्स है ये। प्राइस तो 1200 बता रहे हैं। अब आई होप कि अगर वो थोड़ा सा कंसीडर कर ले तो मैं इसको परचेज कर लूंगा। तो शॉपिंग तो मेरी हो गई है और अब मैं निकल रहा हूँ एलिफेंट फॉल से चेरापूंजी के लिए। तो यहाँ से चेरापूंजी बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट हाँ रास्ता थोड़ा सा पहाड़ी होगा, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 1-1.5 hours शायद लग सकता है। लेके चलता हूँ आपको चेरापूंजी। चेरापूंजी जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के लिए, तो उन्हीं में से एक वाटरफॉल है नौ कालीकाई वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को कहा जाता है कि दुनिया का 4th highest वाटरफॉल है। और अभी मैं देख पा रहा हूँ बड़ा ही खूबसूरत, क्योंकि हवा चल रही है तो जब हवा के साथ पानी बह रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है, और जो नीचे फाइनली पानी गिर के पहुंच रहा है वो वाटर एकदम ब्लू है। इट्स जस्ट मार्वलस। दोस्तों आपने ये छोटे वाले सिनेमन तो काफी देखे होंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। आपने शायद इतने बड़े बड़े सिनेमन कभी नहीं देखे होंगे, ये देखिए सिनेमन। तो चेरापूंजी जो है वो फेमस है अपने मसालों के लिए भी। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के मसाले आपको मिलेंगे, जैसे सिनेमन हो गया, यहाँ पे हल्दी रखी हुई है, तेज पत्ते रखे हुए हैं और भी कई चीजें रखी हुई हैं। वैसे तो आज का वेदर ऐसा था कि लग नहीं रहा था बारिश वगैरह होगी, तो मुझे लग रहा था चेरापूंजी वेटेस्ट प्लेस है, पता नहीं एंजॉय कर पाएंगे या नहीं बारिश। बट अभी हल्की हल्की सी ब्रीज, हल्की हल्की सी फुहारें पड़ रही हैं, तो हाँ जो मेन चेरापूंजी का ग्रेस है उसका एंजॉयमेंट हम कर सकते हैं अभी।
दोस्तों अभी मैं एंटर कर रहा हूँ अरवा केव्स के अंदर। ये केव्स लाइमस्टोन पर बनी हुई है और इसकी मोस्ट इंटरेस्टिंग बात या यूनिक बात हम कहें वो ये है कि यहाँ पर नेचुरली प्रिजर्व फॉसिल्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं फॉसिल्स भी दिखा पाऊँ यहाँ के। और चलिए चलते हैं केव के अंदर। तो अभी मैं हूँ केव के अंदर और आप जो ये स्टोन्स का फॉर्मेशन है ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत है ये। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चेरापूंजी फेमस है अपनी केव्स के लिए, तो अभी मैं आ गया हूँ माउसमई केव्स। तो अभी माउसमई के पहले मैं गया था अरवा केव्स और सुनने में आया है कि अरवा केव्स से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है माउसमई। मैं आ चुका हूँ केव्स के बाहर। केव्स अंदर से काफी ब्यूटीफुल थी और कई प्लेसेस तो ऐसी थी जहाँ पे आपको एकदम झुक कर चलना होता है। ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अरवा केव्स जरूर विजिट करें। तो चेरापूंजी का मेरा ये टूर तो बड़ा अच्छा चल रहा है लेकिन काफी थकान भरा हुआ भी है। तो अभी भूख लग रही थी, मैं सोचा कुछ स्नैक्स खा लेता हूँ। तो मैंने ऑर्डर की है ये चाय और मैगी। ये मैगी में काफी सारी वेजिटेबल्स हैं, अच्छी दिख रही है। आई होप टेस्ट भी अच्छा होगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो इको पार्क में एंटर कर रहा हूँ अभी। मैंने टिकट मैंने ले ली है 20-20 पर एडल्ट और 10 रुपीज कैमरा का। तो चलिए चलते हैं इको पार्क। तो इको पार्क तो मैंने देख लिया है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इको पार्क जब भी आएं तो आप कोशिश करें कि मॉनसून टाइम पे आएं, क्योंकि यहाँ बनते हैं कई सारे वाटरफॉल्स और उसके अलावा जो माउंटेन्स हैं उनके नीचे क्लाउड आपको दिखाई देंगे। जब आप अगर इवनिंग में आते हैं तो जो क्लाउड्स हैं वो माउंटेन के नीचे हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली ओरिजिनल जो रियल मेघालय का मजा है वही है। मेघालय मेघों का घर, मेघालय इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स, रेन्स। ऑल दो अभी नहीं हो रही है बट स्टिल इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अपने घरों में हम झाड़ू का यूज तो डेली ही करते हैं साफ सफाई के लिए। यहाँ आने पर मुझे पता चला कि मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो पूरे भारत में या कहें पूरे वर्ल्ड में झाड़ुओं का रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई करता है। तो आप देखेंगे ये मटेरियल जो है, जो फूल झाड़ू हम लोग घरों में यूज करते हैं उसी का रॉ मटेरियल है। और ये इसके जो पेड़ होते हैं या कहें जो प्लांट्स जो भी होता है ये मेघालय में ही उगता है और यहीं से हर जगह एक्सपोर्ट होता है। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस प्लेस। अगर आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ज़िपलाइनिंग करने का भी ऑप्शन। तो ये जो ज़िपलाइन है ये पूरा पूरी वैली कवर करती है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ नौशिंतेन फॉल्स या सेवन सिस्टर फॉल्स भी जिसे कहा जाता है। इसमें सेवन डिफरेंट फॉल्स एक साथ गिरते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आपको याद हो इको पार्क, तो इको पार्क में जो रिवर टाइप के बने हुए थे वहीं से ये सारे फॉल्स गिरते हैं। बड़े ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं और इसका व्यू तो अनइमेजिनेबल होता है जब ये अपने पीक पे होता है, जब पीक मानसून होता है। और सामने ही इसके कुछ रिसॉर्ट्स भी हैं। तो अगर प्री प्लानिंग से आ रहे हैं और आपका बजट है रिसॉर्ट बुक करने का तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड आप रिसॉर्ट में रुकिए और सेवन सिस्टर फॉल्स वहां से एंजॉय करिए। चलिए अब बात करते हैं कि आप चेरापूंजी कैसे पहुंचेंगे। तो चेरापूंजी अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट स्टेशन जो आपको उतरना होगा वो है असम का गुवाहाटी। सिमिलरली अगर आप प्लेन से जाना चाहते हैं तब भी आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट उतरना होगा।
गुवाहाटी से आप बुक कर सकते हैं एक प्राइवेट टैक्सी जो कि आपके चेरापूंजी घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। काफी सारी शॉपिंग, फूड और साइट सीइंग के बाद अब मेरी यहाँ की चेरापूंजी की जर्नी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो चेरापूंजी का पसंद आया होगा। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्टिनेंटल फ्रेश एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।